नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर दिन भर में फटाफट से आपको खबरों से रूबरू कराते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस बिपिन रावत। दरअसल तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के कुन्नूर में बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मौत हो गई। इनमें वायुसेना के इस MI-17 हेलीकॉप्टर का पायलट और CDS के वरिष्ठ स्टाफ और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। हादसे में एकमात्र बच्चे गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का तमिलनाडु में सेना के वेलिंगटन स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ देश के शीर्ष राजनेताओं और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जनरल रावत की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दिल्ली में घर के बाहर ही नहीं अंदर भी वायु प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि दिल्ली में घर के अंदर का वायु प्रदूषण का स्तर WHO के मानकों से 20 गुना अधिक है। वहीं अध्ययन में इस बात को भी बताया गया है कि PM2.5 का स्तर निकटतम बाहरी सरकारी मॉनिटरों की तरफ से बताए गए स्तरों से काफी अधिक था। वहीं बुधवार को जारी किए गए अध्ययन से ये भी पता चला है कि कम आयु वाले घर की तुलना में उच्च आय वाले घरों में एयर प्यूरिफायर रखने की संभावना 13 गुना अधिक है, लेकिन इंडोर वायु प्रदूषण पर इसका प्रभाव केवल 10% के आसपास है। मेटा, जिसे पहले तक फेसबुक के नाम से जाना जाता था, इसी मेटा कंपनी का नया ऑफिस भारत में खोल लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मेटा के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक ये कंपनी मेटा कंपनी बनाने के बाद एशिया का पहला ऑफिस है जो स्टैंड अलोन फैसिलिटी के साथ आता है। वहीं मेटा ऑफिस दिल्ली NCR के गुरुग्राम में स्थित है। स्पेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। मेटा का नया ऑफिस 130,000 वर्ग फीट में बना है और इस ऑफिस में सेंटर फॉर फ्यूलिंग इंडियाज न्यू इकोनॉमी स्थित है। दक्षिण अफ्रीका से निकला कोरोना वायरस का नया वेरियंट ओमिक्रॉन अब तक दुनिया के 50 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। इस क्रम में कोरोना वैक्सीन फाइजर ने दावा किया है कि इसे निष्क्रिय करने के लिए वैक्सीन का 3 डोज पर्याप्त है। फाइजर इंक और बायोएनटेक SE की ओर से शुरुआती लैब स्टडी के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। इसके अनुसार कोरोना वैक्सीन फाइजर के जरिए दिए गए सीरम एंटीबॉडी की 3 डोज के बाद SARS-CoV-2 का ओमिक्रॉन वेरिएंट खत्म हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से बीते बुधवार को एक नया नियम जारी किया गया है जिसमें ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया गया है। DOT के नए नियम के मुताबिक 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट यानी बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि DOT का नया नियम 7 दिसंबर 2021 से देश भर में लागू हो गया है, जिसके बाद DOT ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दे दिया है कि जिन यूजर्स के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है उन्हें नोटिफिकेशन भेजा जाए। ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिनों के अंदर बंद किया जाए, जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ट्रूकॉलर ने भारत में नए वर्जन 12 को लॉन्च कर दिया है। साथ ही ऐप के यूजर इंटरफेस में बदलाव ऐलान किया गया है। ऐसे में ट्रूकॉलर यूजर को कॉल अलर्ट, कॉल रीजन, फुल स्क्रीन, कॉल ID, इनबॉक्स क्लीनर, SMS और कॉन्टेक्ट सेफ्टी बैकअप, स्मार्ट SMS जैसे दर्जन भर फीचर मिलेंगे। ऐप को भारत में 46 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। वहीं ट्रूकॉलर ऐप में वीडियो कॉल ID के साथ कॉलर रिकॉर्ड, घोस्ट कॉल और कॉल अनाउंस जैसे नए एक्सपीरियंस भी दिए गए हैं, जिसे आने वाले हफ्ते में भारत में भी सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप दुनिया का पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। इसका अंदाज गूगल प्ले स्टोर पर रैंकिंग और डाउनलोडिंग के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। यही कारण है कि इस प्लेटफॉर्म पर फेक मैसेज, फोटो और वीडियो तेजी से वायरल होते हैं। इन फेक खबरों पर रोक लगाने के लिए व्हाट्सएप सख्त कदम उठा रहा है। अब ऐसे में हम आपको ऐसी वजह बताने जा रहे हैं जिनके कारण आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WhatsApp की गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि अगर यूजर फेक WhatsApp अकाउंट बनाते हैं तो WhatsApp उस यूजर को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। अगर कोई आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है और आप उसे लगातार मैसेज भेजते रहते हैं तो स्थिति में WhatsApp आपको हमेशा के लिए बैन कर देगा। आप दोबारा WhatsApp का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बॉलीवुड के खूबसूरत कपल्स में से एक विकी कौशल और कैटरीना कैफ 9 दिसंबर यानी आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया है और इस बीच शादी से पहले ही इंटरनेट पर पति पत्नी घोषित कर दिया गया। हालांकि बाद में बदलाव करना पड़ा। जी हाँ, दरअसल शादी से एक दिन पहले ही विकिपीडिया ने विकी कौशल के पेज पर कैटरीना कैफ को उनकी जीवन साथी बताया। वहीं कैटरीना कैफ के पेज पर विकी कौशल को उनका जीवन साथी बताया। हालांकि कुछ समय बाद विकिपीडिया ने दोनों के प्रोफाइल से जीवन साथी वाला ऑप्शन हटा दिया, लेकिन विकिपीडिया की इस गलती के सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चा हो रही है।
आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड से हारने के बाद बीसीसीआई के 5 पदाधिकारियों ने मुंबई में बैठक करके विराट कोहली की कप्तानी और अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तानों पर चर्चा की, जिसके बाद विराट कोहली ने T20 विश्व कप से पहले ही घोषणा कर दी कि वो इस टूर्नामेंट के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। लेकिन T20 विश्व कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद ये तय हो गया था कि विराट की वनडे कप्तानी भी की जाएगी। वहीं बोर्ड के पदाधिकारी चाहते थे कि विराट खुद कप्तानी छोड़ दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद बोर्ड ने 48 घंटे के इंतजार के बाद चयनकर्ताओं को रोहित शर्मा को वनडे का नया कप्तान बनाने को कह दिया।